गुड आफ्टरनून मैम साहब। गुड आफ्टरनून मैम साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप अपना बॉटल दे सकती हैं क्या मुझे पानी पीने के लिए? हाँ ये लो। अरे मायावती, ये क्या कर रही हो तुम? अरे पानी की बॉटल दे रही हूँ। तुम्हें पता भी है बॉटल कितने की है? हाँ 1000 रुपए की। 1000 रुपए की? तो तुम मेरी इस 1000 रुपए की बॉटल को इस गरीब को दे दोगे पानी पीने के लिए? अरे मेरी सारी बॉटल गंदी हो जाएगी। हाँ तो क्या सुनीता, मतलब कि ये इसको धोएगा कौन फिर? मैम साहब, पानी पीने के बाद मैं बॉटल धो दूंगा। वो क्या है ना, यहाँ का वाटर कूलर खराब हो गया है, अगर मैं पानी पीने के लिए बाहर जाऊंगा तो साहब बहुत डांटेंगे और मेरा गला भी सूख रहा है, प्यास बहुत तेज लगी है। देख मैं तुझे अपने पानी की बॉटल नहीं दे सकती हूँ। चल एक काम करते हैं, देखो ना ऊपर से पानी पिला देते हैं, पर हाँ तू मेरी पानी की बॉटल को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। मायावती काम करो, इसको ऊपर से पानी पिला दो। धन्यवाद मैम साहब। चल यार सुनीता, हम उसे पानी की बोतल ऐसे भी तो दे सकते थे ना। अरे यार तू ना इन जैसे लोगों को जानती नहीं है, ये ना गरीब लोग होते हैं, लोअर कास्ट पीपल, और ये मेरी बोतल को छुएंगे तो मेरी बोतल तो गंदी हो जाएगी ना, इसलिए यार मैं ना ऐसे वैसे लोगों को ना अपनी बोतल नहीं दे सकती हूँ। हाँ यार तू सही कह रही है, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी, ऐसे किसी लोअर कास्ट वाले को अपना सामान नहीं दिया करूंगी। हाँ तू ना बिल्कुल सही कह रही है। चलो सर, मैं आई कम इन? यस कम इन प्लीज। सर वो, अरे तू तो वही सिक्योरिटी गार्ड है ना जो वो पिछली कंपनी में मेरे काम किया करता था, तू यहाँ क्या कर रहा है और तू बॉस की चेयर पे कैसे बैठा हुआ है? देख कोट और पैंट पहन के ना कोई बॉस नहीं बन जाता, समझा तू? देखिए मैडम, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, आप जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। देख मुझे ना कोई गलत फहमी नहीं हुई है, और हाँ तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। एक तो इतनी बड़ी कंपनी में आ जाते हो और सिक्योरिटी गार्ड होके अपने आप को बॉस समझने लग जाते हो। देख अभी भी ना तुझे लास्ट चांस दे रही हूँ, निकल जाए यहाँ से, वरना बॉस को आने दे, तेरी कंप्लेंट करूँगी और फिर वही ना तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे, समझा तू? अब ये देख रही हैं, पढ़िए इसको। क्या आप ही इस कंपनी के बॉस हो? सॉरी वो ना मेरे से गलती हो गई थी पहचानने में, अब मेरे को लगा तुम वो सिक्योरिटी गार्ड हो इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। हाँ देख आई एम रियली वेरी सॉरी, और आप तो मुझे अच्छे से जानते हो और हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ना पहले से, तो आप तो मेरा नेचर भी बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। अब तो मेरा तो सिलेक्शन डन है ना फिर? हाँ मैं आपके नेचर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप किसके साथ कैसा बिहेव करती हैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे सर आप अभी भी पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं, वो तो पुरानी बातें थी ना, और वो ना मेरे से गलती से हो गया था, उस टाइम पे आप सिक्योरिटी गार्ड थे और आपको प्यास लग रही थी तो मुझे लगा मेरी पानी की बॉटल गंदी ना हो जाए इसलिए ना मैंने आपको वो सब बोल दिया, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं था। और सर अब तो आप इतनी बड़ी कंपनी के ठहरे बॉस, तो सर आप मुझे इस जॉब पे रख लेंगे ना फिर? पक्का है ना, डन है ना? देखिए उस बात को आप भूल सकती हैं लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, उस दिन आपने मेरी बेइज्जती नहीं की थी बल्कि मेरी कास्ट और कपड़ों की वजह से मुझे जज किया था। मैं चुप था क्योंकि मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये ग्लास आपको पानी पीने के लिए दूं तो आप पी लेंगे इसको? हाँ सर क्यों नहीं, अगर आप मुझे एक ग्लास देंगे पीने के लिए तो क्यों नहीं पीऊंगी, आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं और अगर आपने मुझे पानी दिए तो मैं पीऊंगी ना सर। अच्छा एक बात बताइए, जब उस दिन मैंने आपसे पानी मांगा था तब तो आपने मुझे नहीं दिया था, तब तो आपका बॉटल मेरे छूने से भी गंदा हो रहा था, आज आपके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं और मैं आपका बॉस हूँ और आपको मुझसे नौकरी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊँ आप इस नौकरी के लायक नहीं हैं, इसलिए अपना CV उठाइए और निकलिए यहाँ से। सॉरी सर वो ना मेरे से गलती हो गई, जाने अनजाने में पता नहीं मैंने आपको क्या कुछ कह दिया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, और सर हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई आपको पहचानने में, अगर मुझे पता होता ना कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तो सर मैं आपको कभी ऐसा कुछ नहीं कहती, और वो तो पुरानी बातें थी ना, सॉरी सर प्लीज़। मैंने कहा ना CV उठाइए और निकलिए यहाँ से, और एक बात और, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत जज करना और ना ही कास्ट से, समझे? चलिए अब निकलिए। सर
सर, मुझे इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, आप प्लीज सर देख तो लीजिए एक बारी। मैंने बोला ना निकलिए यहाँ से। कैसे आप लोग? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोग मिसबिहेव करना अच्छा लगता है, उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली उनकी सोच बहुत गिरी हुई होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए और हमेशा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी मदद करते हैं। और आप भी लोगों की मदद कीजिए ताकि हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स बन सके, अच्छे दोस्त बन सके, किसी का भी मजाक ना बनाए, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सबका सम्मान करे और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली का शेयर करे, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जल्दी से कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल इस वीडियो का। और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।